फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन्स किचन। आज अपना रेसिपी है हेल्दी हेल्दी टेस्टी टेस्टी फ्रूट सलाद। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है, हाफ लीटर दूध ली हूँ इसके लिए, और दो बनाना, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, कस्टर्ड पाउडर, शुगर और एप्पल क्रीम। अब शुरू करेंगे फ्रूट सलाद। उसके लिए स्टोव ऑन करके बॉल लगाएंगे, मिल्क डालेंगे इसके अंदर, और थोड़े मिल्क को और एक बॉल में ले लेंगे। इसमें कस्टर्ड पाउडर डालने के लिए कच्चे दूध ले रही हूँ मैं, क्योंकि गर्म दूध में डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर नहीं डालना चाहिए, इसके लिए मैं अलग ले रही हूँ। दूध को अच्छे से मिला लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि पेंदा लग जाएगा और इस पर मलाई भी जमेगा, इसके लिए मैं लगातार मिला रही हूँ। एक अच्छा मिल्क है मैंने लिया है, वेनिला कस्टर्ड पाउडर 3 टीस्पून। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना है। ये ज़रूरी पॉइंट है कि इसमें लम्स ना रहे। ये देखो दूध अच्छे से गर्म होके उबल आ रहा है। अब अपन इसमें 3 स्पून शुगर ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। शुगर गले तक इसे लगातार मिलाना चाहिए। शुगर गल गया है, अब अपन इसमें कस्टर्ड पाउडर को डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि गुठलियाँ बन जाते इसलिए थोड़ा थोड़ा डालकर कंटिन्यूसली मिला रही हूँ। इसे गाढ़ा होने तक मिलाना चाहिए, मगर एक बात की ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना चाहिए और न ही इसे पतला भी रखना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा होने से क्रीमी लगेगा। इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो डाल दीजिए, अच्छा फ्लेवर आएगा, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे गाढ़ा हो गया है फ्रेंड्स, अब अपन इसे स्टोव ऑफ कर लेंगे, वरना ये बहुत गाढ़ा होगा ठंडा होने से। अब इसे साइड लगाएंगे और सारे फ्रूट्स को काटेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और इसके अंदर स्ट्रॉबेरी, चीकू, पपाया, कीवी, चेरी, आप चाहें तो ब्लैक ग्रेप्स भी डाल सकते हैं, मगर खास करके ऑरेंज और वाटरमेलन को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वाटरमेलन में पानी ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये दो फ्रूट्स को स्किप कीजिए। एप्पल का छिलका नहीं निकाल रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं और विटामिन्स भी हैं, इसमें बहुत फाइबर है, ये खाने से हेल्थ अच्छा रहेगा छिलके से खाने से। पोमोग्रेनेट में फैट नहीं है, ये बहुत न्यूट्रिशन फूड है। पोमोग्रेनेट में विटामिन सी, के, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम भी बहुत है। ओवरऑल ये बहुत हेल्दी है खाने से। फ्रेंड्स, सारे फ्रूट्स कट चुके हैं, फ्रेंड्स एक बॉल ले लेंगे, इसके अंदर कस्टर्ड मिल्क को थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे, और जितने भी फ्रूट्स कटे हुए हैं सारे इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। बचे हुए कस्टर्ड मिल्क को सारा डाल दीजिए।
और सारे कटे हुए फ्रूट्स को मिलाना चाहिए। आइसक्रीम पसंद करने वाले इसमें ऐड कर सकते। मैं आइसक्रीम को पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। आप चाहे तो आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स, इसे हाफ एन आवर के लिए फ्रीजर में लगा देंगे। हाफ एन आवर हो गया है फ्रेंड्स, अब इसे सर्विंग बाउल में लेकर गार्निश कर लेंगे। गार्निश के लिए मैं बादाम और किशमिश काजू यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत हेल्दी है। और मैं पाइनएप्पल क्रश भी यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी रहेगा और बहुत हेल्दी भी है। आप चाहे तो इसे यूज़ कीजिए, बहुत टेस्टी रहेगा। हेल्दी हेल्दी फ्रूट सैलड रेडी हो गया है फ्रेंड्स। फेस्टिवल्स पे, अकेशंस पे, कोई मेहमान घर पे आए तो भी, मैरिजेस एनिवर्सरीज को भी ये बना सकते, बहुत अच्छा रहेगा और बहुत हेल्दी है ये रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू अमन फैमिली शो। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकते। थैंक यू सो मच।